सिद्धू पाजी, हाँ जी, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ सफाई सफाई सफाई, मेरा नौकर इतना कमीना है ना, काम चोर आदमी, अभी आएगा ना देखना बहाने बनाएगा, और कर क्या रहा होगा मेरे को पता है, मैच देख रहा होगा, मैं कहूंगा क्यों लेट आया, कहेगा पाजी मेरा पजामा नहीं मिल रहा था। रामू रामू कहाँ मर गया? क्या है साहब जी, क्या है? मिल गया तेरा पजामा? कौन सा पजामा? मैं तो मैच देख रहा था। तो मैच देख रहा था, काम तेरा बाप करेगा यहाँ पे? मैं काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ नौकरी छोड़कर। हुआ क्या? हुआ क्या नहीं सिद्धू पाजी, एक बेड तक तो नहीं है सोने के लिए इस घर में। ओए होए होए होए, कोयले के साथ हाथ से लकीरें लगा के मेरा बेड बनाया इस बंदे ने। जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है ना, कोयले की लकीरें लगी हुई है उसपे, मैं सोता हूँ जैसे ही मैं करवट लेता हूँ अपने कपड़ों के साथ मैं अपना बेड मिटा लेता हूँ। मैं सोते सोते सारा कमरा फिर लेता हूँ अपना, मैं कभी उधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ, मैं तकिया कंबल तो एक तरफ, मेरे लिए चादर है एक, सिर्फ एक चादर, उस चादर से मैं 20 काम लेता हूँ, उसको मैं बांध लेता हूँ, उसी को घूमता रहता हूँ, फिर जब रात को सोना होता है उसको बिछा लेता हूँ, हल्की सी ठंड लगती है उसी को ऊपर ले लेता हूँ, ऑल इन वन, सुबह जब नहाना होता है तो बाथरूम का दरवाजा नहीं उसी के सामने उसको मैं लटका लेता हूँ, उसी चादर के अंदर जाके बाहर से आटा लेकर आता हूँ मैं, जब इनको खुश करना होता है उसी चादर को बांध के पीछे से उठा के कहता हूँ सुपरमैन आ गया। पाजी इतना कंजूस आदमी है, मैंने इसको कहा कि महीने का 1500 रुपए बहुत कम है, मेरा महीना बढ़ा दो, इसने महीना 90 दिन का कर दिया। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम ये है कि मुझे नौकर मत बोला करो आप, नौकर बोलते हो मेरा सीना कटता है। तो क्या बुलाऊं, अंबानी साहब? क्या बुलाऊं मैं? और पाजी इसको अकल नहीं है, अरे की किस्मत में नहीं होता नौकर बनना, नौकर बनने के लिए क्वालिटीज होनी चाहिए जो भगवान ने तुम्हें दी है, अभी बच्चन साहब अंबानी साहब ये बंदे चाह के भी नहीं बन सकते, शक्ल अमीरों वाली, तेरा मुंह गरीबों की कढ़ाई जैसा है, तेरा अनएजुकेटेड होना पड़ता है, ये सब क्वालिटीज तेरे में है। मुंह ही गरीबों वाला है मेरा, मैं जब भी शीशा देखता हूँ मेरे मुंह देख के ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता, मैं नौकर नहीं बनूंगा। ये समझ नहीं रहा पाजी इसको, मैं कैसे समझाऊं, अगर तू नौकरी कर रहा है यहाँ पे उसी की वजह से आज इतने बड़े बड़े लोगों को मिलने का मौका मिल रहा है, अभी सोचा था सपने में मिलेगा सिद्धू पाजी से? मिलेगा, चलो मजा तो आता है ना, उनको तो देखो कितना मजा आ रहा है, क्रिकेट में पैसा कमाते हैं, मुझे क्या मिल रहा है? ठन ठन पाल मदन गोपाल, राइट राइट, ठीक है, तुम्हें नौकर बुलाने से प्रॉब्लम है ना? हाँ। आज से मैं तुम्हें नौकर नहीं बुलाऊंगा। क्या करोगे? मैं तुम्हें बुलाऊंगा डॉक्टर अशोक कामत। वाह 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 वाह, क्या आइडिया दिया है, डॉक्टर अशोक कामत सिजेरियन। यानी बड़ा नाम रख दिया मेरा, डॉक्टर, और तो कहते यही ना, डॉक्टर ये कब वहां रख दो, डॉक्टर ये कब वहां रख दो, डॉक्टर मेरे लिए चाय लेकर आओ, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, नौकर नहीं रहूंगा, लोगों को तो लगेगा ना नौकर ही हूं। नहीं यार तू समझ रहा, देख मैं तेरे को कहूंगा डॉक्टर साहब ये कप उठाने में अपने आप की हेल्प करो, अमीर वाली भाषा यूज करेगा, किसी के बाप को भी नहीं पता चलेगा तुम नौकर हो, तुम लगोगे नहीं नौकर, और ये जो तुमने बीवी की नाइटी पहनी ना इसकी वजह से लगता है नौकर। अब जी मेरी बीवी तो है ही नहीं, मैंने तो आपके घर से पहनी है। नौकर जी, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, ये सामान उठाओ, ये प्रेस पड़ी हुई वहां पे। डॉक्टर प्रेस उठाएगा। लगा किसी को पहले तुम नौकर हो? मुझे नहीं लगा किसी को क्या लगना है। अभी यार यहां से जाइए, अभी डॉक्टर जाएगा प्रेस करेगा, अभी डॉक्टर जाएगा प्रेस करेगा, अभी डॉक्टर जाएगा प्रेस करेगा। बिच्छू देख मुझसे मिलने कौन आया है? कौन आया? मैं आई हूं सरप्राइज। दादी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो गांव में होना चाहिए था। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बिच्छू? क्या हुआ? मैंने सोच लिया है। क्या? कि अब बाकी की जिंदगी तेरे दादा के साथ नहीं गुजारूंगी। तो अब 2 महीने के लिए और आदमी ढूंढेगी। क्या बताऊं? तेरे दादा है ना? हाँ। बहुत मारते हैं मुझे दारू पीने के बाद। क्या झूठ बोल रही है दादी? दादा तो पीता ही नहीं है। दादा नहीं पीते, मैं पीती हूँ ना। तो तेरी हरते ऐसी ना दादी, दादा की सारी पेंशन तो दारू में उड़ा देती है। ए बिट्टू, दारू तो मैं अपने पेंशन से पीती हूँ। विधवा पेंशन। विधवा पेंशन दारू पीती है।